एक रिपोर्टर के जॉब चले जाने के बाद एक पुरानी केस फिर से उसके सामने आती है। उसके बाद इसे वो इन्वेस्टिगेट करने लगता है और बहुत सारी चीजें बाहर आती है। आज की मूवी हु किल्ड कॉक रॉबिन्स यही इसी प्रीमाइस पर बेस्ड है। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स है, तो चलिए इस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर वैंग दिखता है। रात में बारिश चल रही होती है और इसकी गाड़ी खराब है। थोड़ी देर में इसे एक आवाज सुनाई देती है और रास्ते पर एक एक्सीडेंट हो चुका है। ये जो सीन था ये 9 साल पहले का था। अब हम प्रेजेंट देखते हैं। अब वैंग अच्छा सा रिपोर्टर बन चुका है। रात में वैंग अपनी गाड़ी से घूम रहा होता है, पर इसके गाड़ी में पुलिस का रेडियो भी है। अगर कोई एक्सीडेंट रोड पर वगैरह हुआ तो इसे पहले पता चला जाता है। इसी वजह से इसे एक एक्सीडेंट का पता चल जाता है। ये जल्दी से उस साइड पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद देखता है तो वहां एक पॉलिटिशियन है जिसका एक्सीडेंट हो चुका है। गाड़ी में इस पॉलिटिशियन के साथ एक लड़की भी है जो उसकी वाइफ नहीं है। वैंग खुश हो जाता है, फोटो लेता है क्योंकि उसे एक बड़ा स्कैंडल मिल चुका है। अपने ऑफिस में उसके एक फ्रेंड होती है जिसका नाम होता है मैगी, उसे वो कॉल करता है। उसे वो कन्फर्म करके इस स्टोरी को रन करने के लिए बोलता है। जब वो वापस आ ही रहा होता है तब इसका ही एक्सीडेंट हो जाता है। बैंक को कुछ ज्यादा लगता नहीं, पर उसकी गाड़ी पूरी खराब हो जाती है। बैंक के ऑफिस में वो, उसका बॉस, ये सब लोग एक ही जगह पर अपनी कार रिपेयर करवाने के लिए जाते हैं। वैंग भी इसी मैकेनिक के पास जाता है जिसका नाम होता है लियो। लियो फिर पूरी गाड़ी को देखता है। वैंग उससे पूछता है कि क्या इस गाड़ी का कुछ हो सकता है। लियो कहता है कि इस पर तुम ज्यादा कुछ पैसे खर्च मत करो, नई गाड़ी ले लो। वैंग कहता है कि अभी तो मैंने 1 महीने पहले ली थी। लियो कहता है कि गाड़ी तुम्हारी फेक है, इसमें पुरानी गाड़ी का इंजन उन्होंने लगा दिया था, सिर्फ बॉडी नहीं है। वैंग ने गाड़ी सेकंड हैंड ली थी, पर फिर भी बहुत सारे पैसे इस पर खर्च किए थे। अब वैंग के साथ स्कैम हो चुका है, तो नेक्स्ट दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में सब पुलिस उसे जानते हैं क्योंकि हमेशा उनसे वो न्यूज वगैरह लेता रहता है। इन्हें वो बहुत सारी रिश्वत भी देता है। अपनी गाड़ी की डिटेल्स वगैरह वहाँ के ऑफिसर को देकर आता है। इसी पुलिस स्टेशन में और एक पुलिस है जो अभी अभी ज्वाइन हुआ है, इसका नाम होता है वाई। वाई वैंग को जानता नहीं था, इसलिए उसे एंट्री नहीं दे रहा था, पर सुबेरे ने वाई को कहा कि वैंग हमेशा आता जाता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वैंग के ऑफिस में एक बॉस थे जिनका नाम था च्यू। वैंग और उनके बहुत अच्छे से संबंध थे। वैंग के बॉस वैंग को हमेशा बहुत हेल्प करते हैं और आज च्यू रिटायर हो रहे है। रिटायरमेंट की रात में पार्टी चलती है और सब लोग बैठे हुए होते हैं। यहाँ पर हमें दिखता है कि मैगी भी है। मैगी बहुत ही ड्रंक हो चुकी है और किसी से भी बात करने के मूड में नहीं है। मैगी वैंग की अच्छी फ्रेंड है और उसे बहुत ही लाइक करता है। ऑफिस में सब लोगों को यह पता है, तो वो मैगी को कहते हैं कि तुम तो सिंगल हो ना, तुम वैंग को डेट कर सकती हो। ये दोनों अनकंफर्टेबल हो जाते हैं और वहां से फिर वैंग मैगी को छोड़ने के लिए उसके घर आता है। वैंग को पता है कि मैगी का एक बॉयफ्रेंड है और उससे उसका झगड़ा हुआ है। मैगी इसीलिए आज अपसेट थी। वैंग मैगी के घर तक आ जाता है, उसे कहता है कि क्या अभी भी तुम अपने बॉयफ्रेंड से झगड़ा कर रही हो। मैगी कहती है कि किसी के साथ तुम बहुत ही ज्यादा टाइम तक हो तो क्या प्यार खत्म हो जाता है। वैंग कहता है कि वो घटिया आदमियों का, तुम्हें वो इतना इग्नोर करता है, तुम किसी अच्छे को डिजर्व करती हो। इसके बाद मैगी वैंग को किस करती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होती है और वैंग न्यूज देखता है, तो उसका ही फोटो न्यूज पर है। जिस पॉलिटिशियन का उसने फोटो लिया था और उनके चैनल ने उसका स्कैंडल रन किया था, उसी पॉलिटिशियन ने अब इन पर ऑब्जेक्शन लिया है। जो लड़की पॉलिटिशियन के साथ थी उसकी वाइफ थी। ये किसी को भी पता नहीं था, पर फिर भी ये बड़ा इशू हो चुका है। इसे लेकर एक बड़ी सी मीटिंग उसके ऑफिस में रखी जाती है। मीटिंग के बाद हमें दिखता है कि वैंग पुलिस स्टेशन में आता है। उसकी गाड़ी का क्या हुआ ये देखने के लिए वो पहुंचता है। उसका पुलिस फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी गाड़ी का इंजन पहले एक्सीडेंट में था। इस एक्सीडेंट की फोटोज वगैरह वो सब वैंग को दिखाता है। वैंग जब ये फोटो देखता है तो वो बिलीव नहीं कर पाता। हमने मूवी के फर्स्ट में 9 ईयर्स पहले का सीन दिखा था। इसमें हमने देखा है कि वैंग ने एक एक्सीडेंट को नोटिस किया था। इस एक्सीडेंट में जो गाड़ी थी यही गाड़ी का इंजन वैंग की गाड़ी में फिट किया गया था। इस एक्सीडेंट की रिपोर्टिंग भी वैंग ने ही की थी। ये वैंग को देखकर बहुत ही अजीब लगता है। वैंग जब फिर से ऑफिस में आता है तो मैगी उसे मिलने के लिए आती है। मैगी कहती है कि अब तुम्हारा जॉब चले जाने वाला है। उसका न्यूज चैनल भी बहुत सारे लोगों को फायर कर रहा था, पर वैंग का चीफ ऑफ एडिटोरियल उसे पसंद नहीं करता था। इसी वजह से उसने वैंग का नाम भी उसमें डाल दिया। वैंग ने ही पॉलिटिशियन की न्यूज रिपोर्ट की थी, इसी वजह से अब वैंग को फायर कर देते हैं। वैंग को हमेशा से उसके बॉस जीव ने बहुत सारी हेल्प की थी, इसी वजह से वो फिर से अपने बॉस के पास आ जाता है। उसके बॉस ने रिजाइन कर दिया है, तो इसी वजह से उसे हेल्प नहीं कर सकते। उसके बॉस उसे कहते हैं कि इस चीज को एज अ अपॉर्चुनिटी तुम लो। वैंग नाराज हो जाता है और फिर रात में अपने फादर से मिलने के लिए आता है। 9 ईयर्स पहले के एक्सीडेंट को भी लेकर वैंग परेशान है। अपने फादर को यह सब चीजें वो कह देता है। वैंग अपने फादर को कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है।
वैंग के फादर कहते हैं कि बहुत ही छोटी कंट्री है, यहाँ तो ऐसा हो ही सकता है, कोई इसमें वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैंग के फादर एक फार्मर है जो चाय उगाते हैं। वैंग की मदर मर चुकी थी और उसके बाद उन्होंने एक नई शादी कर ली है, उनकी फैमिली बन चुकी है तो बहुत ही हैप्पी है। वैंग के भी अपने फादर के साथ बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप होती है। वैंग अपने फादर से मिलकर घर जाता है पर हमें दिखता है कि उसका कोई पीछा कर रहा था। वैंग रात में घर जाकर फिर से एक्सीडेंट को इन्वेस्टिगेट करने लग जाता है। उस रात उसने फोटोज ली थी, वो अपना कैमरा निकालता है और सब फोटो देखने लग जाता है। यहाँ वो बारीकी से नोटिस करता है तब उसे पता चलता है कि इससे कुछ फोटोज मिसिंग है। उसे बहुत ही सस्पिशियस लगता है। उस एक्सीडेंट के बारे में पुराने न्यूज़पेपर निकालता है। इसे पुराने न्यूज़पेपर से पता चलता है कि लड़की हॉस्पिटल से गायब हो चुकी थी और भी अब मिस्ट्री आ चुकी है, तो ये सब बातें वो मैगी से कहता है। मैगी को सब कुछ बता देता है। जो फोटोज उसकी डिलीट हो चुकी है इसके बारे में भी वो मैगी को कहता है। वह मैगी से कहता है कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ था तब बहुत बड़ी पार्टी हम सब लोगों ने रखी थी। सब लोग पार्टी से घर जा रहे थे। एक्सीडेंट में विक्टिम्स की कार को किसने उड़ा दिया था और वो वहां से भाग गया था, यहाँ में से कोई भी हो सकता है। मैंने जब वे फोटो रिपोर्ट की थी तो एडिटर को दी थी, यही वो एडिटर है जिसकी वजह से वैंग का जॉब गया है। अब वैंग को लग रहा है कि इसने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ की होगी, इस वजह से अब वो इस केस को परस्यू करना चाहता है। मैगी उसे हेल्प करने के लिए कहती है कि जिस हॉस्पिटल से विक्टिम गायब हुई थी उसी हॉस्पिटल में मैगी की कुछ जान पहचान है, वो कुछ ना कुछ तो डिटेल्स निकाल ही सकती है। वैंग को हॉस्पिटल से विक्टिम की फाइल मिल जाती है, विक्टिम का नाम होता है चिया। वैंग फिर डायरेक्टली चिया के घर पर पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत सारे बूढ़े लोग होते हैं, चिया की मदर यहाँ नहीं है। ये सब बूढ़े लोग चिया को जानते हैं क्योंकि बचपन से चिया उनके साथ ही खेली थी। वैंग इन सब बूढ़े लोगों से कहता है कि वो चिया का फ्रेंड है। चिया का रियूनियन होने वाला है तो उसे इन्वाइट करने के लिए यहाँ आया हुआ है। वो वैंग को बिठा लेते हैं और उसके लिए चाय बनाते हैं। यहाँ चाय देखता है तो चाय जो है ये एक ब्रांडेड है, ये एक अवार्ड विनिंग चाय है और ये बहुत ही कॉस्टली है। ये बूढ़े लोग अब वैंग को कहते हैं कि चिया अब घर पर नहीं आती, हमेशा उनके लिए चाय भेजती रहती है। एक्सीडेंट के बाद चिया कभी घर पर नहीं आई है पर वो हमेशा लेटर वगैरह लिखती रहती है। थोड़ी देर में चिया की मदर वहां जाती है और वैंग को बाहर निकाल देती है। वैंग मैगी को कहता है कि उस चाय से बहुत कुछ हम पता कर सकते हैं। वैंग के फादर चाय के ही फार्मर है, इसी वजह से उसे सब कुछ पता होता है। एक ही जगह पर यह चाय बेची जाती है, वहां पर वैंग पहुंच जाता है। वहां पर स्टोर ओनर से बात करता है तो उसे पता चलता है कि एक ही उनकी ऐसी कस्टमर है जो टी बाय करती है और ये चिया ही है। ये चाय बहुत ही एक्सपेंसिव है पर फिर भी चिया हमेशा कैश ही बाय करती है, जनरली किसी के पास भी इतनी सब कैश नहीं होती। वैंग चिया का पता पूछ ही रहा होता है पर चिया फिर से चाय लेने के लिए वहां पहुंच जाती है। वैंग चिया से बात करना चाहता है, वो कहता है कि तुम्हारा जो एक्सीडेंट हुआ था उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, तुम्हारी कार को हिट करके कौन भाग गया था ये वो ढूंढना चाहता है। चिया कहती है कि वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। वैंग कहता है कि उस आदमी को तुम ढूंढना नहीं चाहती, तो चिया कहती है कि उस चीज को 9 साल हो चुके हैं, उस एक्सीडेंट में मेरा बॉयफ्रेंड मर गया था। उसके बाद चिया के लेग पर भी इंजुरी हो चुकी है, इसी वजह से वो लंगड़ा कर चलती है। चिया कहती है कि मैं कुछ भी चीज को बदल नहीं सकती। वैंग फिर भी उसका कार्ड उसे दे देता है। रात में घर आकर वैंग फिर से चिया की फाइल देखता है। चिया ने वैंग को कहा था कि उसका बॉयफ्रेंड ड्रंक था इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, पर ऐसा नहीं था। फाइल में वैंग ने नोटिस किया है कि उसके बॉयफ्रेंड ने कभी भी दारू नहीं पी थी। वैंग फिर से चिया को कॉल लगाता है। चिया अब वैंग को सच कहती है, कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैं बहुत ही घटिया रिलेशनशिप में थी, मैं उसे दूर भाग जाना चाहती थी। हम दोनों का एक्सीडेंट हुआ और वो मर गया तो मुझे लाइफ में एक नया चांस मिला, उसके बाद मैं किसी से भी नहीं मिली और नई लाइफ मैंने स्टार्ट की है। ये सब बातें वैंग और चिया कर ही रहे हैं तभी चिया के घर पर कोई आ जाता है, उसे मारने लग जाता है। वैंग ये सब फोन पर सुनता है। वैंग जल्दी से अपने घर से निकलता है और चाय वाले के पास आ जाता है, उसे फिर से चिया का एड्रेस पूछता है, जल्दी से चिया के घर तक आ जाता है। यहाँ पर चिया की कौन सी अपार्टमेंट है यह भी उसे पता चल जाता है। वैंग डोर के पास पहुंचता है तो अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती है। डोर ओपन करता है तो खिड़की से एक आदमी भागने लग जाता है। वैंग उसका पीछा करता है, ये बहुत दूर तक भागते हैं, इस आदमी के चेहरे को देख नहीं पाता। ये आदमी छुपकर कार में बैठ जाता है। वैंग अभी भी उसका पीछा कर रहा है तो कार में भी उसे स्पॉट कर लेता है। ये आदमी वैंग को उड़ाकर वहां से भाग जाता है। इस एक्सीडेंट की वजह से वैंग का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चिया को किसने किडनैप कर लिया है और बांधकर एक जगह पर रखा हुआ है। चिया होश में नहीं थी पर थोड़ी देर में उसे होश आ जाता है।
उसके पास फोन है तो वैंग को कॉल लगाती है, हेल्प के लिए पूछती है, पर चिया कहाँ है उसके खुद की लोकेशन उसे पता नहीं है। चिया को रेंज नहीं मिलती और ये फोन कट हो जाता है। वैंग को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो डायरेक्टली पुलिस के पास आता है। पुलिस में उसके जो फ्रेंड्स थे वो अब उससे अच्छे से बात नहीं कर रहे क्योंकि वैंग अब उन्हें हफ्ता नहीं दे रहा। वैंग फिर भी पुलिस ऑफिसर को कन्विंस कर ही लेता है कि लाइफ और डेथ का मैटर है। उसे वो फोन कॉल सुनाता है जो चिया ने उसे किया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वैंग और मैगी गाड़ी में होते हैं। वैंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसे क्या करना चाहिए। ये आगे चलते हैं और इनकी गाड़ी के सामने और एक गाड़ी आ जाती है। इनका एक्सीडेंट ही होने वाला था तभी वैंग को इंटरसेक्शन पर एक शीशा दिखता है। वैंग को याद आता है कि एक्सीडेंट की जगह पर 9 साल पहले इसी तरह का एक शीशा था। वो फिर घर जाकर उस एक्सीडेंट के फोटोज देखता है। कुछ फोटोज गायब थी पर इस शीशे का फोटो उसके पास है। इसे वो जूम इन करता है तो उसे एक गाड़ी का नंबर प्लेट मिलता है। फिर से वो पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब पुलिस स्टेशन में उसका जो फ्रेंड था ये अवेलेबल नहीं है। मूवी के फर्स्ट में हमने एक नया पुलिस ऑफिसर ज्वाइन हुआ है जिसका नाम है वाई, इसको देखा था। वैंग वाई से मदद लेने लग जाता है। वाई को पता नहीं है कि वैंग का जॉब चला गया है तो इसीलिए वाई उसे हेल्प कर देता है। वैंग को इमेज में सही से नंबर प्लेट दिख नहीं रही थी तो अलग अलग गाड़ी के नंबर्स के कॉम्बिनेशन उसने बनाए होते हैं। जब सब डिटेल्स को चेक करता है तो एक गाड़ी उसके बॉस की ही थी। फिर से फ्लैशबैक में 9 ईयर्स पहले हमें दिखता है। वैंग अपने बॉस के पास गया था, अपने बॉस को कहा था कि इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। वैंग के बॉस ने फिर उसे एक सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि बहुत सारी अजीबोगरीब चीजें हम इस प्रोफेशन में देखते हैं पर हमें किसी से भी इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन वैंग छोड़ दे, ऐसी सलाह उसके बॉस ने उसे दी थी। इसी कन्वर्सेशन में उसके बॉस ने उसे एक प्रमोशन भी दिया था। अब वैंग फिगर आउट करता है कि बॉस इसमें इन्वॉल्व है। अपने बॉस को कॉल कर उसे कन्फ्रंट करता है। वैंग का बॉस वैंग को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। ये वही जगह है जहाँ उनका मैकेनिक होता है। वैंग वहाँ पहुँचता है और देखता है कि उनके मैकेनिक का, जिसका नाम था लियो, इसका एक्सीडेंट हो चुका है और वो मर गया है। लियो की वाइफ बहुत ही रो रही होती है। वैंग का बॉस भी इस एक्सीडेंट पर मौजूद है। वैंग और उसका बॉस फिर बातें करने लग जाते हैं। वैंग का बॉस कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया, इसका एक रीजन था। 9 ईयर्स पहले जो एक्सीडेंट हुआ था उसी रात बॉस की गाड़ी उनके मैकेनिक यानी कि लियो ने बोरो की थी। बॉस के पास मर्सिडीज थी और लियो को एक लड़की को इम्प्रेस करना था और डेट के लिए वो उसकी मर्सिडीज लेकर गया था। रात में चिया को ठोककर जो गाड़ी चली गई थी वो लियो की थी क्योंकि लियो ने बहुत पी थी और वो इसमें फंस नहीं सकता था। मर्सिडीज पूरी खराब हो चुकी थी। लियो बॉस के पास गया और वो गिड़गिड़ाने लगा। लियो ने कहा कि मैं पूरी गाड़ी फिर से सही कर दूंगा, प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना। उन्होंने फिर गाड़ी की नंबर प्लेट्स वगैरह चेंज कर ली थी। बॉस फिर वैंग से कहता है कि जब तूने फिर से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, तब लियो को लगा कि वो चिया के पास जाएगा, उसे कुछ पैसे देगा और सब कुछ ये चीज सेटल कर लेगा। यानी कि वैंग ने चिया के घर पर जिस आदमी को देखा था ये लियो ही था। उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि चिया कहाँ है। बॉस कहते हैं कि जब लियो वहां पहुंचा तो चिया ऑलरेडी वहां से गायब थी। वैंग को बहुत सारे आंसर अब तो मिल चुके हैं पर चिया कहाँ है ये उसे अभी तक पता नहीं चला है। चिया ने वैंग को कॉल किया था, वो पुलिस से इस कॉल को ट्रेस करवाता है। ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहाँ 500-600 फ्लैट्स है। पुलिस के साथ वैंग भी इस बिल्डिंग की इन्वेस्टिगेशन करता है। हर एक डोर पर वो जाते हैं और सब जगह चेक करते हैं। एक फ्लैट तक वो पहुंचता है और डोर खटखटाता है तो वहां से वाई निकलता है। वाई वही न्यूली ज्वाइंट पुलिस ऑफिसर है। वैंग को बहुत ही सस्पिशियस लगता है और वाई के घर में वो घुस जाता है। वाई के घर में बहुत सारा सामान है। वैंग पूरा चेक करता है पर चिया उसे कहीं भी नहीं मिलती। इस घर में वैंग देखता है कि एक फैमिली फोटो है जिसमें वाई नहीं है। वैंग इस चीज को इग्नोर करता है और वहां से निकल जाता है। वैंग इस फ्लैट से बाहर निकलता है। एक्चुअल में उसके नेबर का यह फ्लैट था। वैंग के नेबर बाहर गए है तो वैंग को घर का ख्याल रखने के लिए वो छोड़कर गए होते हैं। वैंग फिर अपने खुद के घर पर जाता है तो हमें दिखता है कि चिया को वाई ने ही किडनैप किया था। फिर से हम फ्लैशबैक देखते हैं और 9 ईयर्स पहले जब चिया हॉस्पिटल में थी तब उसे किडनैप करने वाला भी वाई ही था। इसका रीजन क्या है ये मूवी के आगे चलकर हमें पता चलेगा। चिया इंजर्ड थी तो हमेशा उसका ख्याल वो रखता था। वाई के घर में बहुत सारे पैसे थे, बाहर जाकर उसे थोड़े थोड़े लॉन्डर कर आता था। चिया को उसने किडनैप भी कर रखा था पर जब उसकी तबीयत जरा ठीक हुई तो वो वहां से भाग गई थी। वाई के सब कुछ पैसे भी वो लेकर गई थी। अब फिर से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। वाई चिया को कहता है कि क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई थी, मैंने तुम्हारा कितना ख्याल रखा था, तुम्हें ढूंढने के लिए ही मैंने पुलिस फोर्स भी ज्वाइन कर ली। रात में वैंग मैगी से मिलने के लिए उसके घर के बाहर आता है। यहाँ पर उसके बॉस की गाड़ी उसे दिखती है। हमें यहाँ पता चलता है कि वैंग के बॉस के और मैगी के बहुत सालों से संबंध है।
जो मैगी का बॉयफ्रेंड है ये उसका ही बॉस है। मैगी अब बहुत ही ड्रंक है क्योंकि उसका बॉस अब उसे अपनाना नहीं चाहता। मैगी का बॉस उसे समझाता है कि हम दोनों की रिलेशनशिप है, इसी वजह से मैंने तुम्हें बहुत अच्छा सा प्रमोट किया है, कि क्या ये इनफ नहीं है। मैगी भी इस चीज को मान लेती है और उसका बॉस उसे और भी ज्यादा प्रमोट कर देता है। मैगी और उसका बॉस दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और उसके बाद ये बैल्कनी में आते हैं। बैल्कनी में मैगी नोटिस कर लेती है कि वैंग नीचे ही खड़ा है। बॉस फिर वैंग को समझाने के लिए नीचे आता है। वैंग ने केस की और भी इन्वेस्टिगेशन की थी। वो अपने बॉस को कहता है कि जिस रात एक्सीडेंट हुआ था उस रात लियो ने अपनी वाइफ को प्रपोज किया था। वो किसी और लड़की को लेकर एक्सीडेंट कर ही नहीं सकता था। बॉस भी अब इस चीज को मान जाता है। वो कहता है कि उस रात मैं ही था जिसने एक्सीडेंट किया था। मैं बहुत ही ड्रंक था और इसलिए मैं वहां से भाग गया था। लियो से मैंने अपनी गाड़ी एक्सचेंज करने के लिए हेल्प ली थी। अब बॉस लियो को समझाने लग जाता है। उसे कहता है कि मैंने तुम्हें हमेशा से हेल्प की है और आगे भी चलकर मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ। तुम सिर्फ इमोशनल होकर एक लड़की को जस्टिस दिलवाने के लिए मुझे तुम जेल में नहीं डाल सकते। मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ, तुम अपने लोगों को हर्ट नहीं करोगे। और ये भी सही ही होता है। वैंग इस पर कुछ भी एक्शन नहीं लेने वाला। चिया वैंग को अभी भी नहीं मिली है पर अभी भी उसका वाई पर शक है। वाई का पीछा करने लग जाता है। वाई के पीछे पीछे उसके बिल्डिंग में पहुंचता है। वैंग को जहां लगता है कि वाई रहता है वहां फिर से डोर खटखटाता है। उसे पता चलता है कि वैंग के वो नेबर थे। रात में वो वाई का पीछा करता है। एक जगह पर वाई है और उसके हाथ में एक चाकू है। बहुत सारा ब्लड उसके हाथों में लगा हुआ है। वैंग जल्दी से वाई के पास पहुंचता है। वाई कुछ गलत कर रहा था और वैंग ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया है तो इन दोनों में फाइट हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे को बहुत मारते हैं और वैंग इसमें इंजोर हो जाता है। वाई उसे मारने वाला था पर वो अपना माइंड चेंज करता है। वाई कहता है कि मुझे पता है कि वो तुम ही थे जिसने मेरे पैसे लिए थे। अब हमें पूरा सच पता चलता है। एक्चुअल में वाई भी चिया का बॉयफ्रेंड था। चिया के एक साथ दो बॉयफ्रेंड्स थे। ये सब मिलकर किडनैपिंग वगैरह करते थे। एक बार इन्होंने किडनैपिंग की और सब पैसे लेकर चिया और उसका बॉयफ्रेंड आया। वाई को उन्होंने जिस छोटी लड़की का उन्होंने किडनैप किया था उसका इंचार्ज रखा था पर वाई ने उस छोटी लड़की को मार डाला था। इस इंसिडेंट की वजह से चिया उसके बॉयफ्रेंड और वाई का झगड़ा हो गया था। वाई को छोड़कर सब पैसे लेकर चिया और उसका बॉयफ्रेंड चले जाने वाले थे। उसी रात चिया और उसके बॉयफ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी में बहुत सारे पैसे थे। वैंग ने जब इस एक्सीडेंट को नोटिस किया तो गाड़ी के पास गया। इन पैसों को उसने देखा तो बहुत सारे पैसे वहां से उठा लिए और अपने पास रख लिए। इसी वजह से वाई ने अभी कहा था कि उसे पता है कि वैंग ने उसके पैसे लिए थे। वैंग थोड़ी देर में उस एक्सीडेंट सीन पर पहुंचा और सब पैसे लेकर चला गया। हॉस्पिटल से उसे पता चल गया कि चिया कहाँ है और उसने उसे किडनैप कर लिया था। चिया की हालत सुधरी तो वाई के पैसे लेकर वो भाग गई। अपने मदर और फादर को इसी वजह से इतनी एक्सपेंसिव चाय वो भेज सकती थी। वाई चिया से बहुत प्यार करता था। उसे वो ढूंढना चाहता था। इसी वजह से वाई ने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली। वैंग बहुत ही इंजोर है और वाई ने अंदर किया क्या है वो देखने के लिए जाता है। यहाँ पर वो अंदर जाकर देखता है कि चिया के हाथ और पैर दोनों वाई ने काट लिए है। वाई अंदर आता और कहता है कि ये चाकू लो और उसे मार डालो, तुम उसे उसके पेन से मुक्त करोगे। इसके बाद ये सीन यही खत्म हो जाता है। यहाँ क्या हुआ है ये अब तक हमें पता नहीं है पर आगे चलकर पता चलेगा। वैंग डायरेक्टली रात में अपने बॉस से मिलता है। उसके बॉस ने जो सब कन्फेशन किया था ये उसने रिकॉर्ड कर लिया था। वो अपने बॉस को ब्लैकमेल करता है और उससे एक फेवर मांगता है। वैंग ने जो एक्सीडेंट से सब पैसे लिए थे वो चिया को वापस करने वाला था। इसका एक चेक उसके पास था जो वो जला देता है। इसके बाद थोड़ा सा वक्त गुजर जाता है और हम देखते हैं कि वैंग अब उसके न्यूज चैनल में पीआर का हेड बन चुका है। उसका बॉस अभी भी उसे फेवर कर सकता था, इसी वजह से वैंग को उसने प्रमोट कर दिया है। वैंग की अब मीटिंग होने वाली है, उसमें वो मैगी से मिलता है। वैंग मैगी को कन्फ्रंट करता है। उसे कहता है कि मुझे पता है कि एडिटर ने मेरा जॉब चले जाना चाहिए इसके लिए मेरा नाम नहीं डाला था। मैगी की वजह से ही वैंग का जॉब गया था। मैगी कहती है कि हम दोनों एक ही टीम में थे, किसी ना किसी का तो जॉब जाने ही वाला था तो इसी वजह से उसने किया था। यहाँ पर मूवी वर्ल्ड की हार्श रियलिटी को कन्फ्रंट करती है। वैंग भी इस सब चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वैंग अपने जॉब से बहुत ही खुश है यह हमें दिखाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि एक्चुअल में उस रात हुआ क्या था। जब वाई ने वैंग को चाकू दिया और कहा कि चिया को वो मार डाले तब वैंग ने वाई को ही मार डाला था। चिया के भी हाथ पैर कट चुके थे और वो दर्द में थी, इसी वजह से चिया को भी उसने मार डाला। उसने मर्डर कमिट किया था तो इससे वो बच नहीं सकता था, इसी वजह से अपने बॉस से उसने फेवर लिया। पुलिस से उसके अच्छे संबंध थे, इसी वजह से पुलिस को लगाकर उन्होंने एक सेल्फ डिफेंस की केस बनाई और वैंग को छोड़ दिया।
वैंग ने उस एक्सीडेंट की कार से पैसे लिए थे, इसी वजह से उसे बुरा लग रहा था और इसी वजह से वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता था। जब उसे सब कुछ पता चला तब रियलाइज हुआ कि इस वर्ल्ड में कोई भी इनोसेंट नहीं है। लास्ट में ये भी इविल बन गया और इसने भी सबका फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी इस तरह की मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने में मत भूलिए। फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।